अगले माह नौकरी की बरसात होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। टेम्पररी वर्कर्स जो हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। इतना अच्छा समय आ रहा है कि अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऑफर लें और कौन सा ठुकराएं। इस स्टोरी से जुड़ी और जानकारी के लिए आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह ना सोचे कि समय बुरा है। समय कभी बुरा नहीं होता है। हाँ, अच्छे समय के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। यदि आप टेम्पररी वर्कर्स हैं तो अगले माह आपका भाग्य खुलने वाला है। त्योहारी सीजन में इस साल पिछले साल की तुलना में 35% तक काम अधिक मिलेगा, खासकर ई कॉमर्स, फूड टेक, लॉजिस्टिक्स और रिटेल सेक्टर में। इन क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियां अच्छे कारोबार की उम्मीद को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों की बहाली करने जा रही हैं। दरअसल त्योहारी मौसम में ऑर्डर बढ़ने के कारण इन कंपनियों को सामान की डिलीवरी करने के लिए, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग और अन्य काम के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। त्योहारी मौसम में मांग बढ़ने और डिस्काउंट की वजह से कंपनियों के पास ज्यादा ऑर्डर आते हैं। हायरिंग पर सर्वे करने वाली कुछ कंपनियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में मांग बढ़ेगी, इसलिए कंपनियों को ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियां ऑर्डर की बढ़ती मांग को देखते हुए लोगों की भर्ती कर रही हैं। कंपनियों को उम्मीद है कि छोटे शहरों से लोग ज्यादा सामान मंगा सकते हैं। कंपनियों का कहना है कि इस साल में नए टेम्पररी कर्मचारियों की मांग अचानक बढ़ गई है। पिछले साल से इसकी तुलना में यह 35% अधिक हो सकती है। जानकारों का मानना है कि इस साल के त्योहारी सीजन में करीब 3 लाख लोगों की अतिरिक्त भर्ती कंपनियां कर सकती हैं। यह भर्ती कंज्यूमर ड्यूरेबल, लॉजिस्टिक्स, लाइफस्टाइल और अन्य सेगमेंट में होंगी। दूसरी ओर व्हाइट कॉलर जॉब यानी संगठित सेक्टर में भी जुलाई में 2,90,000 रोजगार का निर्माण हुआ। कोविड-19 के शुरू होने के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा रोजगार ट्रैवल एंड टूरिज्म, होटल और रिटेल सेक्टर में हुआ। इन सेक्टर्स में जुलाई में 12,000 से अधिक लोगों को नौकरी मिली है। आंकड़ों के मुताबिक कॉमर्शियल गतिविधियां शुरू होने की वजह से जुलाई में जॉब ओपनिंग तेजी से हुई है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के आंकड़े बताते हैं कि देश में वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। सितंबर 2020 की तिमाही में यह 13.3% थी। उस समय की पहली तिमाही में यह दर 20.9% थी, जो अब तक की सबसे ज्यादा दर थी। पहली तिमाही में लॉकडाउन ज्यादा होने की वजह से यह दर बढ़ी थी। जुलाई सितंबर 2019 की बातें करें तो उस समय बेरोजगारी की दर 8.4 थी। NSO के आंकड़ों के मुताबिक कुल वर्कर पॉपुलेशन के अनुपात में जुलाई सितंबर 2019 में 52.1% पुरुषों के पास रोजगार था, जबकि 14.5% जॉब महिलाओं के पास था। यानी कुल 33.7% वर्कर आबादी काम कर रही थी। अप्रैल जून 2020 में 44% पुरुष काम कर रहे थे, जबकि 12.2% महिलाएं काम कर रही थी। जुलाई सितंबर 2020 में 49.9% पुरुष के पास काम था, जबकि 13.6% महिलाओं के पास काम था। कुल 32.1% लोगों के पास काम था। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, ताकि सबकी आर्थिक हालत थोड़ी और सुधर जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल कुछ और नई और रोचक खबरों के साथ।